लिखते हैं। हाइपरबोला का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, द एसेंट्रिसिटी द फोकाई द एसेंट्रिसिटी एंड लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फॉर द हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस 16y² माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। इस तरह का काम हमने पहले भी किया हुआ है, ये हम तीसरी बार कर रहे हैं। हमने पैराबोला में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड पढ़ा, मैंने एलिप्स में किया, और अब ये हाइपरबोला में भी सेम वही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं कैपिटल लेटर में लेट करके, और फिर उससे जो है स्मॉल लेटर्स की वैल्यू निकाल के स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आंसर देते हैं। करें यहाँ पर, बताएं इसके आंसर्स। एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, वाई स्क्वायर और वाई, वाई स्क्वायर और वाई वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, तो 9x² माइनस 72x प्लस, यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, फिर माइनस 16y² प्लस 96y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। 9 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 8x माइनस 16 कॉमन ले लिया, तो y² माइनस 6y इक्वल टू 144। ऐड और सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, 8 का हाफ करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 ऐड कर दिया और 16 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ 6 का हाफ 3, तो प्लस 3² और माइनस 3², तो 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16 16 9 144। ठीक है ना, प्लस वाला तो आ जाएगा माइनस 144 हो, और ये हो जाएगा माइनस 16, ये हो जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 16 9 क्या हो जाएगा, 144। इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करें आप और आंसर बताएं फिर क्या क्या आ रहा है जल्दी से। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 72x, अच्छा ये तो माइनस कॉम, 9x² माइनस 72x माइनस 16y² प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0।
है क्या आंसर? यू गेट 9 टाइम्स x -4 का होल स्क्वायर -16, 9 जा 144, 16 टाइम्स y -3 का होल स्क्वायर -(-2) +144 = 144, ये कट हो गया। तो 9 x -4 का होल स्क्वायर, 16 y -3 होल स्क्वायर = 144। डिवाइड कर देते हैं इसको 144 से, तो x-4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, y-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 = 1। इसको कैपिटल एक्स लेट कर लेते हैं और कैपिटल वाई, तो x² / 4² कैपिटल y² / 3² = 1। a² की वैल्यू 16 हो गई और b² की वैल्यू जो है वो 9 हो गई। तो यहाँ से सबसे पहला काम e फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b² = a² e² - 1, 9 = 16 times e² - 1, 9/16 +1 = e². तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/16, यानी ई की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/4। ई पता चल गया आपको, 5/4 हो गया। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई भी पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था इसेंट्रिसिटी, और फिर पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई +-ae, 0। लेकिन ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए, तो ये हो जाएगा +-a, ए की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू है 5/4, 0। तो +-5, 0। लेकिन ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये कैपिटल वाई की, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू +-5 और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। कैपिटल एक्स क्या है, x-4, तो x-4 = +-5, तो x = 4 + -5, 9 और -1। और y की वैल्यू क्या है, तो y है y-3 = 0, तो y की वैल्यू 3। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट जो आएंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसके आएंगे 9, 3 और -1, 3। ये हमारा फोकाई का आंसर आएगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा हमारी सेंट्रिसिटी आ गई। तो थर्ड में उसने क्या पूछा है, थर्ड में कहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो लेटस रेक्टम तो चाहे कैपिटल का हो या स्मॉल का हो सेम ही होने वाला है। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² / a। तो 2 × b² 9/a की वैल्यू 4, तो ये 9/2 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगी, कैपिटल एक्स इक्वल टू +-a/e, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, x-4 इक्वल टू +-a/e, ए की वैल्यू है 4 और ई की वैल्यू है 5/4, ये आ जाएगा +-16/5। तो एक्स की वैल्यू 4 + -16/5, तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी 4 + 16/5 और एक 4 - 16/5, आंसर आ गया हमारा। ये सॉल्व कर लेंगे आप इसको, 20 + 16/5, 20 - 16/5। एक 36/5 और एक -1 + 4/5,
इसमें कोई प्रॉब्लम देखिए और बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर है बात ये। लिखते हैं एक और क्वेश्चन इसका, ये भी कॉन्सेप्ट पुराना है, हम पहले कर चुके हैं इसके बेस क्वेश्चन, और ये भी हमने तीन जगह पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में पढ़ा और अब हाइपरबोला में करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हूज डायरेक्ट्रिक्स इज x plus 2y equal to 1, focus is 2 comma 1 and eccentricity e equal to 2। तो ये भी बहुत बार हम बात इसके बारे में कर चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा फॉर्मूला बेस्ड है, बस ये पूछा गया है कई बार पूछा गया और फॉर्मूला वही ps equal to epm, क्योंकि कोनिक्स की कंडीशन होती है, कई बार रिपीट हो चुका है कि पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, एस के कोऑर्डिनेट तो फोकस है उसके एच के हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो है, तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स की पूरी इक्वेशन एज इट इज़ नोट कर देते हैं डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो बस यहाँ पर वही वैल्यू सारे पुट कर देनी है, तो एक्स माइनस एच की वैल्यू है 2 और के की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू 2 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। बस इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर लेना है आपको, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 21 इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी इस टाइप के हम तीसरी बार लगातार कर रहे हैं। पैराबोला में भी सेम फॉर्मूला, बस e की वैल्यू 1 हो जाती है, एलिप्स में लेस देन 1 होती है और हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होती है। कोनिक्स को रिप्रेजेंट करने की ये प्रॉपर्टी ही है पी एस इक्वल टू ई पी एम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। फिर वही पुरानी बातें करते हैं कि लाइन और अगर हाइपरबोला, जैसे हमने लाइन और सर्कल पढ़ा, लाइन और पैराबोला पढ़ा, लाइन और एलिप्स पढ़ा, उसी तरीके से लाइन और हाइपरबोला, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही हो जाएगी लाइन एंड हाइपरबोला। एक लाइन गिवन होगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक इक्वेशन हमको हाइपरबोला की गिवन होगी एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमें चेक करके बताना होगा कि ये जो लाइन है ये क्या है, इसकी टेंजेंट है सीकेंट है कि या तो फिर ये तो ना तो टच करती है और ना ही कट करती है, ना इधर टेंजेंट नॉर सीकेंट, हो सकता है वो लाइन ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो टेंजेंट का काम कर रही हो सकता है वो लाइन सीकेंट का काम कर रही हो, लाइन ये सीकेंट हो जाएगी।
ये क्या हो जाएगी टेंजेंट, और एक तीसरी लाइन जो ना तो टच करेगी और ना ही कट करेगी, ये हो जाएगी नाइदर टच नॉर कट, ना तो टच कर रही है और ना ही कट कर रही है। तो इस तरह के केसेस हम पहले भी 4 बार कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जब सीकेंट होता है तो डी जो होता है वो ग्रेटर देन 0, और ये जो टेंजेंट होता है इसमें डी जो होता है वो इक्वल टू 0, और ये डी लेस देन 0। ठीक है, ये हम पहले भी कई बार बातें कर चुके हैं। तो जब ये डी ग्रेटर देन 0 होता है तो इससे जो रिलेशन आता है वो आता है सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे क्या आता है सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वालिटी में आ जाता है। आपको याद होगा हाइपरबोला में और इलिप्स में क्या सिमिलरिटी है, उसमें होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें माइनस आ जाता है। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो कई बार हाईलाइट की जा चुकी है। ये क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, चारों के लिए मैंने एक साथ सर्कल में लिख दिया था। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कोई लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर किसी हाइपरबोला को टच करती है तो सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगी, अगर प्लस की इक्वल होती प्लस बी स्क्वायर तो वो एलिप्स हो जाता है। और ये कंडीशन प्रूफ कैसे होंगी, तो ये पहले भी हमने अभी पिछले लेक्चर में जब एलिप्स में किया था तो सेम पूरा मेथड वही है। क्या करेंगे, ये जो लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इससे इस वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर में फिर कुछ एक्स में और फिर कुछ कॉन्स्टेंट में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स हो जाएगी। और फिर इसका डी फाइंड आउट कर लेंगे, और डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जैसे ये वैल्यू आ जाएगी तो एक बार डी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये डिराइव हो जाएगा, डी लेस देन 0 से ये और डी इक्वल टू 0 से टेंजेंट। सेम पूरा प्रोसेस वही है, कुछ भी नया काम नहीं करना। तो ये प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं पूरा का पूरा, आप चाहे तो दोबारा बाद में कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है। सेम मेथड है, बस प्लस की जगह माइनस है, एलिप्स की इक्वेशन में प्लस आता था यहाँ पर माइनस आ जाता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कोई प्रॉब्लम इसमें, अब आगे की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ लिया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद हम बात करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, और या फिर हम बात कर लेते हैं कि ये कितने फॉर्म की होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी आने वाला है। अगर मैं कोई क्वेश्चन कराना चाहूँ तो क्या करूँगा कि एक कोई लाइन दे दूंगा वाई इक्वल टू एम एच प्लस सी से कंपेयर करना होगा, और एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे दूंगा और कह दूंगा कि ये टच करती है तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी, या लैम्डा लेट करके क्या होगी वैल्यू। तो सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसलिए इसको करने की खास ज़रूरत नहीं है, हम इसको कई बार कर चुके हैं। लाइन को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर होगी, एलिप्स जो है वो तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और एम और सी लाइन से मिल जाएगा, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फिर बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में क्या होगा, नंबर वन आता है हमारा पॉइंट फॉर्म, ये भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि पॉइंट हमको एक्स वन वाई वन उस इलिप्स में कहीं पर गिवन होगा, और हम एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में रिप्लेस कर देते हैं,
एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉइंट टू में, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉइंट टू में, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉइंट टू में, ये भी हम कई बार लिख चुके हैं। तो अगर हमें इक्वेशन जो है इवन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी पॉइंट फॉर्म में। कोई नई बात नहीं है, कई बार हम कर चुके हैं इसके बारे में कि पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, और एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉइंट टू में। पॉइंट फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म जो आती है वो क्या है, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सी की वैल्यू है वही पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी वैल्यू, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हो जाएगी, उसकी लाइन की इक्वेशन जो टेंजेंट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी की वैल्यू अभी हमने वहाँ डिराइव किया कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें होती थी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो बिल्कुल डिट्टो वही सब कुछ आने वाला है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। तीसरी फॉर्म क्या होती थी, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पुट कर देते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए सेक फाई और बी टेन फाई, ये हो जाएंगे ये एक्स वन का काम और ये वाई वन का काम। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इक्वेशन है पॉइंट फॉर्म में, और ये पॉइंट ही तो गिवन है, ये पॉइंट है एक्स वन और वाई वन, ये यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स वन और वाई वन की जगह पर, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक्स इंटू एक्स वन की वैल्यू ए सेक फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन की वैल्यू बी टेन फाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बी से बी और ए से ए कट हो जाएगा, तो बी एक्स सेक फाई माइनस ए वाई टेन फाई इक्वल टू ए बी, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी पुरानी चीजें हैं, ये सारी की सारी हम पहले कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इनके होते थे, आपको याद होगा मैंने वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिराइव करके बताया हुआ था आपको, आप यहीं पर लिख लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही सेम जो उसके थे वही इसके भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी होता था यहाँ पर, और सी की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते थे, इसी को सी बोल देते थे। तो ये करके आ जाता था प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, ये वहाँ पर डिराइव किया गया था इलिप्स के केस में, सेम वही है यहाँ पर भी।
ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई हमारे पास। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं इनके। और ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो एट पॉइंट टू कॉमा वन। टू कॉमा वन पर इस कोनिक्स की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवेन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ये एक्स वन और वाई वन का काम करेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में रिप्लेस कर देंगे। भाई इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, ये कर्व की इक्वेशन है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो एक्स इंटू एक्स वन वाई स्क्वायर को वाई वाई वन एट एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू प्लस टू वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। एक्स इंटू एक्स वन की जगह पे टू, वाई इंटू वाई वन की जगह पे वन, ये टू से कट हो जाएगा, टू फोर जा एट तो माइनस फोर एक्स, और ये एक्स वन की वैल्यू टू पुट कर रहा है तो टू फोर जा एट तो फोर टू जा, ये एक्स वन की जगह पे टू है तो ये माइनस एट हो जाएगा, और ये टू से टू कट हो गया वाई, और वाई वन की जगह पे वन है तो प्लस वन प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स माइनस फोर एक्स, तो ये हो गया माइनस टू एक्स, और वाई प्लस वाई, और ये माइनस वाई कट हो जाएगा तो ये हो गया माइनस टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा इलेवन प्लस वन ट्वेल्व माइनस एट तो फोर हो जाएगा इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। तो ये आ जाएगी एक्स इक्वल टू टू जो है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें?
एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन फिर इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस सिक्स इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, और हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। एम की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो है हाइपरबोला की टेंजेंट बन जाएगी? तो इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया तो एम एक्स प्लस सी जो है वो बन गया एम एक्स प्लस सिक्स। तो एम की वैल्यू तो एम आ गई और सी की वैल्यू सिक्स आ गई, और इसको जो है यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर 100 और बी स्क्वायर 49 हो गया, और फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 इक्वल टू ए स्क्वायर 100 एम स्क्वायर माइनस 49। तो 36 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर की वैल्यू 85/100। ये 5 से कट हो जाएगा, एम इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 17/20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? ये तो ये कोई इसी का क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन सर्कल में आ सकता है, पैराबोला में आ सकता है, एलिप्स में आ सकता है, अब हाइपरबोला भी हमने कर लिया तो उसमें भी आ सकता है। तो ये हम लगातार हर बार रिपीट करते हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं, कुछ भी नया काम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर वही पुरानी बात, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है सबने पढ़ा हुआ, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में, एलिप्स में। अब बात आ गई हाइपरबोला। ये हाइपरबोला गिवन है, कोई किसी एक पॉइंट से उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उनकी कंबाइंड इक्वेशन हमको निकालनी है इस कोई पॉइंट पी से। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। कैसे मिलेगा? गिवन हाइपरबोला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? गिवन हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एस वन, तो इसको पहले एस लेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये एस हो गया। एस वन क्या हो जाएगा? x की जगह x1 हो जाएगा और y की जगह y1 हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर और माइनस 1, ये t हो गया। और s s1 और t स्क्वायर इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, और हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी देखा था, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, हाउ मैनी रियल टेंजेंट्स, हाउ मैनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from the point 4, 3
फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। एक तो इस पे हमें ये बताना है कि कितनी रियल टेंजेंट ड्रा हो सकती है, और हमको फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम भी फाइंड आउट करना है। तो रियल टेंजेंट कैसे पता चलेगी हमको कहाँ पर है, तो इस पॉइंट की पोजीशन से हमको आइडिया होगा। सबसे पहला काम इस पॉइंट की पोजीशन चेक करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड की इनसाइड, तो उसके लिए हम पहले एस लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, और फिर एस वन देख लेते हैं, एक्स की जगह 4 रख देते हैं और वाई की जगह 3 रख देंगे। ये नेगेटिव आ गया, तो एस वन की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और अगर एस वन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड की इनसाइड। तो ये मैंने आपको याद दिलाया था, उस दिन बताया भी था कि भाई इसमें उल्टा उल्टा काम होता है, कि अगर एस वन नेगेटिव आ रहा है तो आउटसाइड द हाइपरबोला हो जाएगा, और अगर ये आउटसाइड हो गया तो एक्सटीरियर पॉइंट से हमेशा कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट। तो इसका मतलब टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इस पॉइंट पी 4,3 से दो टेंजेंट पी टी 1 और पी टी 2 ड्रॉ कर सकते हैं, तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब उसके बाद फॉर्मूला जो यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 1। एस वन की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस 1 आ गई, और टी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स वन माइनस वाई इंटू वाई वन और माइनस 1। बस इसी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, 3x² माइनस 4xy माइनस 12x प्लस 16y इक्वल टू 0। और इसमें एंगल भी उसने पूछा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल के लिए आपको याद होगा टेन थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, उससे जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो आएगी वैल्यू 4/3। तो थीटा इक्वल टू दूसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। ये दो आंसर हमारे हो जाएंगे।